हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और हमारे सामने खड़ी है फोर्स की ट्रेवलर जो कि आप सामने देख रहे हैं। मैंने इसकी पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई है, आज भी आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं जो कि हमारे सामने ये फोर्स की ट्रेवलर खड़ी हुई है। आप चाहे तो इसको 9+D में 16+D में ऐसे करके आप इसको ले सकते हैं, 12+D में भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसे आपको ऑप्शन मिलते हैं फोर्स की ट्रेवलर के। आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल दूंगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे सामने 12+D खड़ी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा सीटें लगी हुई हैं पीछे, आप देख सकते हैं ये वाली, जिससे कि 17 सीटर हो जाती है। ये रही इसकी ओवरऑल फ्रंट से लुक अगर आप देखेंगे तो फोर्स ट्रेवलर की। यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी इसमें विंडशील्ड मिल जाती है जो कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के वाइपर मिलते हैं जो कि फोर्स देता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। 80 की इसकी टॉप स्पीड है, BN6 का फेज 2 मॉडल है, मतलब एकदम नया मॉडल है, ऐसा नहीं है कि पुराना मॉडल है। जिस टाइप से ओवरऑल फ्रंट की लुक मिलती है, हेलोजन बेस आपको यहाँ पर लाइटें मिल जाती है काफ़ी बड़ी बड़ी, यहाँ पर आपको इसमें इंडिकेटर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको इसको अंदर से दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद में इसको बाहर से दिखाऊँगा। ऐसे आप इसके अंदर बैठेंगे, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से स्टीयरिंग व्हील मिलती है। अभी थोड़ा धूप का शेड आ रहा होगा इसलिए आपको दिख नहीं होगा, ऐसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए कुछ इस टाइप से आपको मीटर मिलता है, 5000 तक टैकोमीटर, बाकी 180 तक की टॉप स्पीड है, और छोटी सी MID मिल जाती है, इसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन शो होती है। यहाँ से आप इसके वाइपर चलाते हैं, इस साइड से आप इसकी लाइटों को चलाते हैं, यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवल का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर ये रीजनरेशन आप देख सकते हैं मैनुअली AdBlue मतलब यूरिया के रीजनरेशन का यहाँ पे स्विच मिलता है। ये रहा इसका 5-स्पीड का मैनुअली ट्रांसमिशन, यहाँ पे आपको लाइटें मिल जाती है जो कि पीछे की लाइटें ऑन होगी, आप देखिए मैंने ऑफ की, यहाँ से आप लाइटों को ऑन कर सकते हैं। इको का आपको मोड मिल जाता है, 1000 LM की स्विच हो गई एमरजेंसी के लिए, और यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। और ये आप जो देख रहे हैं ये DEF, ये ऑफ और ऑन का आपको AC का दिया गया है, टेम्परेचर का आपको दिख रहा होगा, ये AC का आपको दिया गया है। ये ड्राइवर के साइड में को ड्राइवर की सीट है, बाकी यहाँ पे आपको ऊपर सन वाइजर मिल जाते हैं, LED में लाइट मिल जाती है काफ़ी ब्राइट। अभी मैं आपको रियर से सीटें दिखाता हूँ, आप देखिए दो और ऐसे कंबाइनेशन में सीटें लगी हुई है, 3, 3, 6 और 3, 9 हो गई, और पीछे की सीटें जो आप देख रहे हैं वो एक्स्ट्रा लगी हुई है इसमें, इस चीज़ की मैं आप बात कर रहा था। ये 12 सीटर है, 12+D है ये, ये फ्लोर पे भी काम हुआ है वुडन का। हैंड ब्रेक की बात करें तो यहाँ पे मिलती है फोर्स ट्रेवलर में आपको हैंड ब्रेक। ये रही इसकी सीटों की लुक, काफ़ी कंफर्टेबल सीटें लगी हुई है इसमें, और पीछे की सीटें जो कि मैंने आपको बता दी एक्स्ट्रा लगी हुई है। बाकी आपको यहाँ पर AC के वेंट मिल जाते हैं, यहाँ पे ये लाइटें मिल जाती है, यहाँ पे इमरजेंसी के बटन मिलते हैं प्रत्येक सीट पर। ये पीछे यहाँ पे इसकी एक तरीके से बूट स्पेस आती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सीटें लगी हुई है, यहाँ पर यह लाइटें मिल जाती है जो कि आगे से ऑन होती है। और ये है डोर, ये इसका डोर अभी लॉक है बाहर से, बाकी यहाँ से बाहर निकला जा सकता है, मतलब पैसेंजर को निकलना हो तो यहाँ से निकलेंगे बाहर। अभी मैं इसके इंजन वगैरह को आपको दिखा देता हूँ, कैसे आपको इंजन मिलते हैं। ये मैंने बाहर से इसको ओपन कर दिया, अभी इंजन वगैरह को दिखाऊंगा। ये रही ट्रेवलर की रियर से लुक, अगर मैं 0.5 में दिखाऊं तो ये ऐसी आपको रियर से लुक मिलती है। रियर में पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, फोर्स की रनिंग मिलती है, हेलोजन बेस आपको टेल लाइट मिलती है, ये चीज़ें हैं।
अब इंजन को बताता हूँ, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 4300 kg। ये रहे इसके मिरर, एक शार्प और एक ये। ये इसका 2600 cc का फोर्स का इंजन, फोर सिलेंडर का, जो कि आपको 91 HP की पावर और 350 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। कैसे लगी आपको इसकी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसकी प्राइस जाननी है तो कमेंट करना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। बाकी मैंने अर्बेनिया की भी वीडियो बनाई है जो इसकी साइड में खड़ी हुई है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने पहले इनकी बनाई हुई है, मैंने कहा आपके लिए छोटी सी वीडियो बना दूँ। थैंक यू।